सुनो पापा, आओ और मेरी मदद करो ना। जरा रुको बेटा, मैं पहले इन एलियन से तो भिड़ लूं। मैं भी उन्हीं को हराने में लगा हूँ। आप दोनों कर क्या रहे हो? आप दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? क्या सच्ची? माफ करना साकिर, भूख लगी है तो कुछ सूझा ही नहीं। डार्लिंग खाना कहाँ है? मैं बैगन बना रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाएगा। खाना, असली मजा तो इसमें आएगा। अरे यार, ये क्या मंगा लिया? चलो खाते हैं। ये लो, बैगन तैयार है। सब आ जाओ, ये कूड़ा कचरा हर वक्त नहीं खाना चाहिए। पता है मैदा कितना नुकसान करता है? इससे दूर रहना है तो बस एक ही तरीका है, और वो है हरी सब्जियाँ। हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो, मैदा बेकार होता है। अरे वाह, मस्त पिज्जा था। गलत बोल रहे हो, एकदम जबरदस्त था। आज तो सच में बहुत मजा आया है ना? अगर एक बार बैंगन ही खा लेते तो क्या जाता तुम लोगों का? कम से कम हेल्दी रहते। हाँ, भला पिज्जा खाने के बाद कौन बैंगन खाता है? अच्छा सुनो, एक जरूरी बात कहूँ, मुझे फिर से भूख लग गई। क्या? मैं भी कुछ कहूँ, मुझे भी लगी है। अगर सब आइसक्रीम खाएं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, अब तुम लोग हद पार कर रहे हो। अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। पापा, आपने कुछ सुना? हाँ, लगता है वो धरती पर आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? डरो नहीं, बिल्ली होगी। एकदम ठीक पहचाना। जल्दी छुप जाओ। हाँ, शायद और भी हैं। कौन हो तुम? अरे अगर अपनी जान प्यारी है तो छुप जाओ। ये क्या है, कहीं पिज्जा तो नहीं? अपनी जान प्यारी है तो चुप हो जाओ। कौन आ रहा है? लो, ढूलिया में। नहीं, ब्रोकली मुझे नहीं पसंद। ये सब्जियां गुंडे मवाली है, जान बचाओ अपनी, भागो। जल्दी करो, कूदो। अगर जान बचानी है तो अंदर आ जाओ जल्दी। निकाटे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पिज्जा को कभी ना नहीं कह सकता, तुम जानते हो ना। अरे रुको, मैंने कहा रुको, उनके साथ मत जाओ। देखो देखो, वो भाग गए। चलो जल्दी अपनी गाड़ी निकालो। वो पास आ रहे हैं, अब क्या करें? हॉट डॉग रीजा, क्या बक्से भरे हुए हैं? हाँ भरे हैं। जय बात, जो हाथ में आए देके मारो। हाँ, ये लो। हाय दया, इसने तो स्टेरिंग व्हील उखाड़ दिया बच के। ये क्या किया निकाटी? मैंने कहा था बक्से से निकाल के मारो, स्टेरिंग व्हील को मार दी। ओ, तो साफ कहते ना, पहले अपनी मूछें तो देखो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे क्या पकड़ कर चलाओ, कुछ है ही नहीं। तुम्हें स्टेयरिंग व्हील की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। बचपन में मैंने कभी भेजा नहीं खाया तो दिमाग बना ही नहीं। अरे इतना सोचो मत, जो हाथ में लगे उठा के फेंक के मारो उन्हें। उठाओ और मारो, मारते रहो। हमें ये और चाहिए होंगे। ये क्या कर रहे हो निकाटी, उसे भी फेंको ना। इसे कैसे फेंक सकता हूँ? हम फिसल रहे हैं, उसे नहीं संभल रहा। अरे आगे देखो। हम पहुँच गए, बस थोड़ी दूर और। मैंने अपना दिमाग लगा लिया, कमाल हो गया। बहुत अच्छे, क्या सोचा तुमने? अरे सब लोग कूदो। ये कौन सी जगह है? खाने की जगह लग रही है, मजा आएगा। वो तो पता है, पर हम यहाँ आए क्यों हैं? ये हमारा अड्डा है, हम अपने अड्डे पर इसी किचन के रास्ते होते हुए जाते हैं। क्या तुम्हारा अड्डा? हमें यहाँ क्यों लाए हो? अब तुम लोग भी शामिल हो चुके हो, वो सब्जियाँ तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बच के रहना। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता निकाटी, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। हाँ, वैसे मैं इसे थोड़ी देर में खाऊंगा समझे। अब इस मुसीबत से हमें एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है, और वो है मैदा मामा।
मैदा मामा? दरवाजा खुला है, किचन की ओर चलो, जल्दी करो सब। ये देखो, ये है जाने का रास्ता। ये हमें पहले क्यों नहीं दिखाया तुमने? मैं तो चला, हे हे। लो मैं भी आया। अंदर ठंड है क्या? नहीं तो, अंदर काफी मजा आ रहा है। रैमजी, आओ, अंदर गर्मा गर्म है। ठीक है, देखता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। स्वागत है फास्ट फूड की दुनिया में। वाह, क्या नजारा है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो किसी सपने से कम नहीं है। पिज्जा पेड़ पर उगते हैं। हाँ, ये क्या है, मिनी पिज्जा? ये देखो कितना बड़ा है, देखकर मजा आया। वाकई कमाल है। वाह, कितना बड़ा है। क्या मैं भी कर सकता हूँ प्लीज? अरे बिल्कुल मेरे बच्चों, तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। जो मन में आए वो खाओ, जो करना है करो, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। मम्मी की तरह? हाँ, अगर वो यहाँ होती तो वो कहती कि ये मत खाना, वो मत पीना, उसमें मैदा है, इसमें कैलोरी है। मैंने इस गुब्बारे से गोल चीज बना दी। गुब्बारा गोल ही होता है निकाटी। उड़ गुब्बारे, उड़कर आजाद हो जा। बहुत बढ़िया। ये दीवार पर किसके कपड़े टंगे हैं? वो दरअसल ये हमें मेहमानों की तरफ से कुछ तोहफे मिले हैं जब वो हमसे मिलने आए थे। है? तो क्या वो नंगे वापस गए? अरे वो सब जाने दो, अब तुम लोग हमारे मेहमान हो, एक बढ़िया सा जश्न मनाएंगे हम लोग। जो जी में आए वो करो, जो जी में आए वो खाओ और अपनी लाइफ के मजे उड़ाओ। आज का दिन बहुत ही स्वादिष्ट है। आज के दिन हम अपने मेहमानों को खाना खिलाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। मुझे उबला हुआ चाहिए। ओवन में बनाते हैं खाना या फिर सैंडविच बनाते हैं? ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम मेरी पीठ पर तेल लगा दोगे? ये तुम क्या कह रहे हो निकाटी, हम कुश्ती लड़ेंगे क्या? ये उन लोगों ने दिया ताकि हम एक दूसरे को मल सकें। पहले कूदने को कहा, फिर खाने को, अब ये तेल, और उन्होंने हमारे कपड़े भी ले लिए। कहीं ये? और आज के दिन हम लोग यहाँ। बस बहुत हुआ, तुमने बहुत बोल लिया, आओ अब खा लेते हैं। वो सही कह रहा है, अब खा लेते हैं। अच्छा, जैसा तुम लोग कहो, पार्टी शुरू की जाए। अरे वाह, आज तो जम के खाऊंगा। और अब हमारे मेहमानों को इसमें डाल दो। अरे रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, इसमें क्यों डाला? ये क्या हो रहा है? ये हमें खाने वाले हैं। अरे वाह, हाथी भी फिट आ गया। हे भगवान, हम खुद दावत बन गए पापा। अरे ये लोग कहां से आ गए? भागो यहाँ से। ये तो बुरी सब्जियाँ हैं। अब देखो हमारा कमाल। हे भगवान, ये लोग फिर यहाँ किस लिए आए हैं? ये लो मोटापे के तुम। ये लो, हो सके तो बचो। कैरेट हेड, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी लीजिए बॉस। जल्दी करो गाइस, हरी अप। तुम सब कौन हो? मेरा नाम ब्रोकली है। मुझे ब्रोकली से सख्त नफरत है। पता है, कोई पसंद नहीं करता मुझे। तुम ही लोग थे ना जो उस सड़क पर हमारा पीछा कर रहे थे? हम तो रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन फास्ट फूड ने तुम्हें बहलाया फुसलाया और हमें बुरा बना दिया। इस तरह से उन्होंने तुम्हें अपनी दुनिया की ओर खींचा। वो तुम्हें उस हांडी में पकाना चाहते थे। मुझे पहली बार तुम पसंद आई ब्रोकली। ओह नो, वो लोग पीछा कर रहे हैं। पकड़ो उन लोगों को। मेरा खाना लेकर भाग गए। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें उस दरवाजे को पार करना पड़ेगा और अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। वो वापस आ रहे हैं, नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ, घर जाने का वक्त आ गया। क्या आप नहीं आओगे? नहीं बच्चे, हम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक हम इस गंदी जगह को साफ नहीं कर लेते। ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। तुम जानते हो ब्रोकली, तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया दोस्तों, अब जाओ, दरवाजा पार करने के बाद हांडी का ढक्कन लगाना मत भूलना। फेंको फेंको, उन्हें जाने मत देना आज। मैंने तुम्हें अपना गुब्बारा दिया था निकाटी, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ये ऐसे। चलो कूदो जल्दी।
हम वापस आ गए हो। बाप रे बाप, कहाँ चले गए थे? मैंने उस मैदे मामा की अच्छी खबर ली ना। बोलो, तुमने देखा ना? हाँ कि नहीं? एकदम मस्त शॉट था ना? क्यों, कैसा लगा? अब हम ये वजन कैसे कम करेंगे? मैं तुम्हारी माँ से बोलकर आज रात ब्रोकोली बनवाता हूँ। सब्जियाँ अच्छी होती है। वो ब्रोकली भाई वाकई में बहुत अच्छा बंदा था। हे, आ गए तुम लोग? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पिज्जा। ये क्या? मैंने ऐसा क्या कहा? अब मैं इसका क्या करूँगी? मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। जासूसी मत करो। मैं मजबूर हूँ कप्तान, क्योंकि मैं खतरे में हूँ। वाओ, क्या मजेदार फिल्म थी। हॉलीवुड मूवी वाकई कमाल होती है। तुम जानती हो, मैं भी ऐसी फिल्म बना सकता हूँ। एक ऐसी फिल्म जो रोमांस से भरपूर हो, एक ऐसी फिल्म जिसमें राज हो, एक ऐसी मस्त फिल्म जिसमें खूब सारा रोमांस हो और लोगों का ध्यान खींचे। नहीं बना सकते। बनाऊंगा। नामुमकिन। बना दूंगा। कहाना नहीं। निकाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बना सकता हूँ। दरवाजा खुला था तो मैं घुस गया। बिल्कुल नहीं। ये क्या खा रहे हो? मैं बनाऊंगा। भरवा बैंगन था, एकदम स्वादिष्ट, मजा आ गया। बिल्कुल बनाऊंगा। कोई चांस नहीं। बिल्कुल बनाऊंगा। गलतफहमी। पर मैंने बैगन नहीं बनाया। सही में? तो ये क्या है? बयामी बाबा। ये मुझे क्या हो गया? माफ कीजिए बाबा, बैंगन समझ के खा गया। लाओ जरा अपना हाथ दो। अरे यार, कहाँ गया वो? हाँ, देखूं काम करता है या नहीं। ये तो मेरा प्राइवेट वीडियो है। हाँ, हटाओ इसे। ये क्या देख लिया? अब जब मैंने कैमरा ढूंढ लिया है पापा, तो मैं दिखाता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। जिंदगी भर नहीं, मैं बना सकता हूँ, समझे आप? ताकिर, पापा ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। क्या कहूँ? तुम नहीं बना सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ। कैनन देखना, मैं एक शानदार फिल्म बनाऊंगा और उन्हें जरूर दिखाऊंगा। पर तुम कैसे शूट करोगे? इस खटारा कैमरे से? स्क्रिप्ट तैयार की? बजट कितना रहेगा? कोई प्रोडक्शन मैनेजर है? लोकेशन का पता किया कि नहीं? स्पेशल इफेक्ट्स कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? सुन लिया बस। क्या तुम ये सब मेरे साथ करोगे अब? ये सब कुछ सिवाय खाना बनाने के। प्लीज मेरी मदद करो। हाँ ठीक, उठ जाओ। सबसे पहले तुम्हारे पास एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए, फिर तुम्हें उस आइडिया को बड़ा करके एक स्टोरी बनानी होगी, फिर तुम्हें उसका स्क्रिप्ट और कैरेक्टर तैयार करना होगा। समझ गए ना? स्क्रिप्ट रेडी है। तो ये है तुम्हारी वो मजेदार फिल्म। एलियन के कपड़े, अंतरिक्ष यान, एस्ट्रोनॉट, क्या है ये सब? इसके लिए तो काफी पैसा चाहिए होगा। एक अच्छी और सस्ती स्क्रिप्ट लिखनी होगी। साकिर, जरा मेरी मदद करना तो। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास एक मस्त एलियन की स्क्रिप्ट है, पर मेरी समझदार बहन कहती है कि मैं इसे शूट नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। चलो अब मेरी मदद कर दो थोड़ा। सवाल ही नहीं उठता जब तक मुझे मेरी फिल्म के लिए जरूरी चीजें नहीं मिल जाती, समझे? लाओ मेरी स्क्रिप्ट दो मुझे। पीछे टॉयलेट का पेपर फंसा हुआ है। हाँ, काम आएगी। माफ करना आंटी, सुनिए आप ठीक है ना? कोई बेकरी में फोन मिलाओ जल्दी, नहीं फायर डिपार्टमेंट में। सुनो भाई, हाँ काम बाद में, पहले चलो उस आंटी को जल्दी से उठाकर बेकरी ले चलते हैं। अच्छा लगता है ठीक है। कोई नहीं भाई, शुक्रिया। थोड़ी थोड़ी तो, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। एक मिनट रुको, तुमने तो एलियन के कपड़े पहने और एक स्पेसशिप भी, इसका मतलब तुम ही वो एक्टर हो जिसे साकिर ढूंढ रहा है? बताओ ना। थोड़ी थोड़ी। अभी क्या बोल रहा है? अब चल मेरे साथ, अगर मैं तुम्हें साकिर के पास ले चलूं तो वो पक्का मेरी मदद करेगा। थोड़ी थोड़ी तो, थोड़ी थोड़ी तो। हाँ पापा, आप ऐसे शख्स का किरदार निभाएंगे जिसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो? बढ़िया, आपसे यही उम्मीद थी। मुझे उम्मीद है तुम वो एलियन की कहानी नहीं बना रहे। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बस एक एलियन चाहिए। ले आया मैं। मिल गया अपना एक्टर। थोड़ी थोड़ी तो, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। ये क्या कह रहा है? इसने अपने रोल की अच्छी तैयारी कर ली है, एकदम प्रोफेशनल है। चलो अब मेरी मदद करो। बहुत खूब, चलो तो शूट शुरू करते हैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक है पापा, अभी शूटिंग में वक्त है। मिल गए, वो लोग मुंबई में हैं। तो चलो फिर। हाँ हाँ चलो।
ये अंतरिक्ष यान तो एकदम असली लग रहा है निकाटी। बहुत अच्छी बनने वाली है ये फिल्म। मुझे असली लाइटिंग चाहिए, एक पेन और पेपर, और हाँ एक डायरेक्टर की कुर्सी भी। तो ये लो डायरेक्टर। ये क्या है? कुर्सी चाहिए थी ना जिसमें डायरेक्टर लिखा हो। नहीं मोटी बुद्धि, मैंने कहा असली कुर्सी। इसका मैं क्या करूँगा? मुझे लगा ये तुम्हारे काम आएगा। कोई नहीं, अब जाओ अपना काम करो। तुरी 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 चुप हो जाओ कुछ देर के लिए, शांत रहो। माना तुम्हें एक्टिंग करनी है, पर ऐसी शक्ल लेकर नहीं कर सकोगे। ये लगा लो। आप थो। बढ़िया, अपने हाथ तो मस्त एक्टर लगा है। 3, 2, 1 और एक्शन। तुरी 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 मुमी मी मुमी मी मी। डायलॉग तो बढ़िया है। मैं कब आऊँ? वैसे कौन सा चैनल है ये? अरे सुनो पापा, आप तो कैमरे को ब्लॉक कर रहे हैं, अभी तो बस शुरुआत हुई है। क्या स्पेशल इफेक्ट्स हैं? क्या तुमने ये शिप भी ढूंढी निकाटी? मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। और कट। क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी, तुमने तो वाकई में बहुत बढ़िया काम किया। चलो सीन खत्म, अब तुम वापस से नॉर्मल हो जाओ। गाइस पैकअप करो, अब हम इसे एडिट करेंगे। क्या खत्म? पर अभी तो देखना शुरू किया था। अब मुझे एंडिंग पसंद नहीं आई, मैंने एक अच्छी सी एंडिंग सोची थी। सुनो अब जरा कार रेस लगाओ ना, हमें इसे रीशूट करना होगा। ऐसी एंडिंग तो किसी को पसंद नहीं आएगी। क्या तुम जाकर उस शिप के मालिक से बात करोगे? मैं नहीं, पहले चिड़ी खेल लगाओ। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो कपड़े और वो स्पेसशिप्स तुमने नहीं ढूंढे थे? नहीं। तो क्या जितना भी हमने शूट किया था वो सब असली था? तो इसका मतलब एक बेचारा एलियन जिसके गर्लफ्रेंड को बदमाश लोग उठा ले गए हैं, उसकी तुमने फिल्म बना डाली। बहुत सही, मैं अब चलती हूँ, बाय। ओह, ये मैंने क्या किया? अरे आराम से, क्या कर रहे हो? रुको, रुको भाई। क्या एलियन को भाई बुला सकते हैं? अच्छा सुनो दोस्त, वो भी ठीक नहीं है। मुझे माफ करना यार, मुझे नहीं पता था कि तुम असली हो। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। एक सेकंड, मिल गया। अब देखो कैसे मदद करता हूँ तुम्हारी। डोरूरी, मैं पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कैसे बचाना है। तो तेरी? हाँ सच में, अब वक्त आ गया है एक असली डायरेक्टर बनने का। तैयार जवानों। स्पेस म्यूजिक। रुको रुको, हम पहुंच गए। ए, कौन हो तुम लोग? हम एंटीना ढूंढ रहे हैं। कहां पर है? ठीक है तो ऊपर जाकर देख लो। ठीक है हम जाते हैं, हम खुद देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। देखा ना, फंसा लिया। तुमने इनका भाषा कब सीखा? डोडी ने सिखाई पापा, और मैंने अपनी हिंदी। वड़ा पाव, मिसल पाव और समोसा। ये लो, लगा दिया मैंने। बढ़िया, अब मुझे सिस्टम को हैक करके इसे सीधे मेन कंप्यूटर से जोड़ना है। ये खिड़की पर क्या लगा है भाई? साफ कर देता हूँ, थोड़ा पानी भी मार देता हूँ। अब लग रहा है ना एकदम चकाचक, क्या मस्त लग रहा है। ये लोग हम में से नहीं है, ये तो डूडी की यान है। ठीक है मैं सिस्टम पर हूँ, केबल को हटाओ, हम निकल रहे हैं। ये क्या? रुको, पहुंचना तो रह ही गया, रुक जाओ। हेलो 1212,
हाँ, हम इस भोकू से आसानी से बात कर सकते हैं जो मराठी में तुम्हें समझाएगा। तुमने मेरी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ भगा लिया, ये ठीक नहीं किया तुमने। पर मेरे आका, मैं आपकी बेटी के बिना नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें मत रोकिए प्लीज। और एक्शन। देखो तो, दो खुश नौजवान लोग एक दूसरे को प्यार करते हुए, और एक क्रूर आका उन दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बाबा, अब हम बालिक हो चुके हैं। हम दोनों से बच्चों की तरह पेश मत आइए। तुम फालतू में ही गुस्सा कर रही थी जब मैं इसे चोर बाजार से लाया था, देखो कितना साफ सुनाई दे रहा है। तुम जरा चुप रहोगे? ये लोग क्या बोल रहे हैं पहले सुन तो लो, और तुम किस बात पर लगे हुए हो? तुम ही हो जिसने इन प्यार करने वाले बच्चों को अलग किया। हाँ ठीक है पिताजी, आप इस प्यार को कभी नहीं मानोगे क्या? क्योंकि डूडी हमारी तरह अमीर नहीं है इसलिए। हाँ, जैसे तुम बड़े खानदानी रईस हो। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं गलत था, मैं तुम दोनों के प्यार के बीच आया। मम्मी, डूडी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गए। आप सब लोगों का शुक्रिया, ये सब आपकी ही वजह से हो पाया। खाने के लिए कुछ है तो दे दो। नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए था, मेरी फिल्म की एंडिंग जबरदस्त हुई। प्लीज इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझिए। वाह, ये तो मस्त है। चाहे तो मेरी स्पेसशिप भी ले लो। सच में, वैसे तोहफा ज्यादा अच्छा है। निकाटी, उसे मत दबाओ। अरे ये क्या है? गलती से भी लाल बटन मत दबा देना, खतरे की निशानी होती है। एक छोटा सा बटन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, देखो तो। पापा, ये आपने क्या कर दिया? इसको शूट करो साके, इसे शूट करो, मुझे भी लेना, मुझे मस्त दिखाना है। और मेरी तस्वीर पर लिख देना कमाल फिल्म का कमाल हीरो।